बताया गया है। ये आपका ओवरलोड रिले जो है ये आपका क्लास 10 का है, यानी कि 5 पिन वाला है। इसमें आपका 5 पिन है, आपका ट्रिपल फेज हो गया आरवाईपी का, और एक आपका एनो का पॉइंट है, तो कहता है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का क्या काम है, इस पैनल को यदि रनिंग स्थिति में पैनल को हम लोग ओपन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये लोड जो मोटर चल रहा था ऑफ हो जाएगा। इसे लिमिट स्विच कहा जाता है, बहुत सारा पैनल में इस तरह का लिमिट स्विच इंस्टॉल किया जाता है। बहुत ही छोटा है, इसमें दो आउटपुट लोड दिया हुआ है, यानी कि दो मोटर को कंट्रोल करेगा, एक आपका क्रेडल के लिए और एक आपका ब्लोअर के लिए, लेकिन एक इमरजेंसी पुश बटन दिया हुआ है। तो मोटर दोनों रन हो रहा है तो पुश बटन यानी कि इमरजेंसी पुश बटन को दबाएंगे तो आपका दोनों मोटर ऑफ हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी। और दोनों के लिए अलग अलग स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है, और आपका जब स्टार्ट करेंगे तो ऑन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन दिया हुआ है, ट्रिप हो जाएगा तो ट्रिप इंडिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आर का फेज, वाई का फेज एंड ब्लू का फेज, यानी कि इस पैनल में पावर आया हुआ रहेगा तो आपका जो तीनों इंडिकेटर आर वाई बी का इंडिकेटर लैंप ऑन रहेगा। उसके बाद बाकी जितना नीचे है जैसे ऑन और उसके बाद ट्रिप, ऑन जब करेंगे तो ऑन आपका इंडिकेशन मिलेगा, तो ट्रिप होगा तो ट्रिप इंडिकेशन आपको मिलेगा, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन अलग अलग दोनों का दिया हुआ है, क्रेडल का और ब्लोअर का भी दिया हुआ। तो इसका पावर वायरिंग जो है थ्री फेज वाला है तो इसका जानकारी देंगे, और इसको कंट्रोल वायरिंग किस तरह से किया गया है चलिए इसके बारे में भी जानकारी देंगे। नॉलेज होना आवश्यक है, कोई भी हो, स्टार हो, डेल्टा हो या स्टार डेल्टा, बाईपास, बीएफडी, जो कुछ भी पैनल है नॉलेज होना आवश्यक है। तो पैनल जैसे आपका मैं ओपन कर दिया, दो आपका देख रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्टर दिया हुआ, दो आपका भार लोड रिले, और एक आपका टीपी एमसीबी ट्रिपल पुल वाला एमसीबी 16 एम्पीयर का दिया हुआ, 16 एम्पीयर सी टाइप का, बड़ा बड़ा जो स्टार डेल्टा या बाईपास बीएफडी कंट्रोलर होता है उसमें आपका सी टाइप का एमसीबी लगाया जाता है, बड़ा बड़ा जो आपका स्टार्टर पैनल होता है उसमें सी टाइप का। यहाँ पर देख लीजिए 2.5 square mm दिया हुआ आपका इनपुट आपका वोल्टेज, ये आपका इनपुट केबल है, ठीक है, ये 2.5 square mm का दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ से आउटपुट गया है आपका कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर से फर्स्ट वाला से लूप, उसके बाद सेकंड वाला को भी लूप कर दिया, उसका नीचे में दो ओवरलोड रिले लगाया गया है। ये आपका ओवरलोड रिले जो है ये आपका क्लास 10 का है, यानी कि 5 पिन वाला है। इसमें आपका 5 पिन है, आपका ट्रिपल फेज हो गया आरवाईपी का, और एक आपका एनो का पॉइंट है, और एक आपका A2 का पॉइंट है, 5 पिन वाला टर्मिनल इसमें दिया हुआ है। और 1.5 square mm जो आपने केबल देखा है ये आपका जो आउटपुट 1.5 square mm, और मोटर में भी 1.5 square mm फ्लेक्सिबल देखिए हम लोग का डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए ऊपर में आपका दिख रहा है ना, इसको कहता है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का क्या काम है, इस पैनल को यदि रनिंग स्थिति में पैनल को हम लोग ओपन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये लोड जो मोटर चल रहा था ऑफ हो जाएगा, इसे लिमिट स्विच कहा जाता है। बहुत सारा पैनल में इस तरह का लिमिट स्विच इंस्टॉल किया जाता है, और भी एचवीएसी सिस्टम में लगा हुआ रहता है, एचवीएसी सिस्टम में लिमिट स्विच का बहुत जरूरत पड़ता है। एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर कॉइल यूनिट हो गया, या सीलिंग सस्पेंशन यूनिट, और भी जो एचआरडब्ल्यू यूनिट, उसका डोर यदि हम लोग ओपन करते हैं तो लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। जब अंदर में मोटर रन हो रहा है तो लिमिट स्विच क्या करेगा, उसका डोर हम लोग रनिंग स्थिति में ओपन कर देंगे ना तो मोटर बंद हो जाएगा। अगर चालू रहेगा तो अगर गलती से खोल दिया तो उस आदमी को अंदर घुसा लेगा, यानी कि एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। और यहाँ इसलिए दिया कि कोई इलेक्ट्रिकल वाला आकर काम करेगा तो ओपन करेगा तो तुरंत ये बंद होना चाहिए, या नया कोई आदमी ओपन करता है तो ये पैनल बंद होना चाहिए, इसलिए ये लिमिट स्विच यहाँ पर लगाया गया है। तो एक कंट्रोल वायरिंग के लिए एक लूप निकाल के बगल में उसका फ्यूज दिया हुआ, फ्यूज के बाद कंट्रोल वायरिंग किया गया है, ठीक है। और आरवाईपी का जैसे यहाँ पर एमसीबी से निकाला तो पहले आपका कॉन्टैक्टर में दिया है, वहाँ से लूप निकाल के दूसरा कॉन्टैक्टर में दिया हुआ, उसके बाद आउटपुट आपका ओवरलोड रिले में गया, रिले से आउटपुट लोड चला गया आपका मोटर पे केबल, डबल स्टार्टर पैनल है। तो कंट्रोल वायरिंग किस तरह से किया गया चलिए देखते हैं। जैसे फ्यूज में आया, फ्यूज के बाद ये सीधा चला जाएगा आपका इमरजेंसी पुश बटन में, इमरजेंसी पुश बटन के बाद आपका लिमिट स्विच, लिमिट स्विच जैसे आपका ये दिख रहा है ना ये ऊपर में लगा हुआ, ये लिमिट स्विच है। उसके बाद आपका चला जा रहा है एनसी पॉइंट में। तो चलिए ड्राइंग के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका कंट्रोलिंग किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्यूज वन में गया है आपका जो आर का लूपर है, उसके बाद इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन के बाद आपका लिमिट स्विच में गया है। तो आपका देख लीजिए फ्यूज से जैसे आएगा तो इमरजेंसी का जो टर्मिनल ब्लॉक होता है ये एनसी पॉइंट रहता है, और लिमिट स्विच जो है ये आपका एनो का पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका लूप सीधा चला जा रहा है आपका जो स्टॉप पुश बटन में, तो स्टॉप पुश बटन यहाँ पर नंबर 2 है, ठीक है। और उसके बाद वही लूप चला जा रहा है आपका जो स्टॉप पुश बटन है आपका 4 में भी, और इसके बाद यही लूप आपका ओवरलोड रिले का 1 में और ओवरलोड रिले का 2 में भी चला गया। तो यहाँ पर दोनों का कंट्रोल वायरिंग जो है सेम प्रोसेस है, तो दाएं तरफ का मैं छोड़ देता हूँ, बाएं तरफ आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए बाएं तरफ जैसे आया ओवरलोड रिले में आपका कनेक्शन हुआ है, उसके बाद वही लूप आपका उस बटन स्टॉप पुश बटन का 2 में आके कनेक्शन हुआ, स्टॉप पुश बटन यानी कि एनसी पॉइंट होता है, और ये लूप चला गया सीधे आपका देख लीजिए स्टार्ट पुश बटन में जाके कनेक्शन हुआ, तो वहाँ से और एक लूप निकलेगा, ठीक है। जो हम लोग जहाँ कनेक्शन किया वहाँ से लूप करते हुए आपका जाएगा कॉन्टैक्टर 1 में, पहला वाला जो कॉन्टैक्टर है वहाँ पर एनो पॉइंट में आपको कनेक्शन करना होगा, एनो पॉइंट रहेगा जैसे आपको मार्किंग में दिख रहा है एनो, और वहाँ से जो आपका आउटपुट निकलेगा एनो पॉइंट जैसे ऊपर में दिया, नीचे से जो आउटपुट निकल रहा है वो आपका सीधा जाके कनेक्शन होगा जैसे ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट में कनेक्शन होगा, एनसी में, ठीक है। और जैसे कॉन्टैक्टर एनो से निकाल के आपका ओवरलोड रिले का एनसी में दिया गया है, ठीक है, और वही लूप निकाल के ले जाके हम लोग का जो पुश बटन स्टार्ट पुश बटन जो स्टार्ट पुश बटन है एनो का उसमें जाके कनेक्शन हुआ। तो जैसे हम लोग पुश बटन स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्टर आपका होल्ड होके, उसके बाद जो रिले का एनसी पॉइंट होके सीधा पुश बटन में आ जा रहा है, और उसके बाद वही कॉन्टैक्टर को काटिंग करने के लिए यानी कि और उसका काट कर देंगे तो स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो काट हो जाएगा। और उसके बाद ओवरलोड रिले का यहाँ जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो ओवरलोड रिले का जैसे यहाँ पर निकल रहा है लूप आपका जैसे टर्मिनेशन किया हुआ आपका एक आपका चला जा रहा है कॉन्टैक्टर से होते हुए आपका एनसी होते हुए आपका सीधा चला जा रहा है कॉन्टैक्टर में, एनसी से निकल के यहाँ पुश बटन पे आ गया है और आपका और एक पॉइंट चला जा रहा है सीधा आपका कॉन्टैक्टर में जो A1 में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A2 पे दिया गया है कनेक्शन और वही लूप ले जाकर आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो जैसे आपका कॉन्टैक्टर होल्ड होगा इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा और न्यूट्रल आपका नीचे से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑन इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर के लिए नीचे से लूप दिया गया है, तो इस तरीके से आप
डबल स्टेटर कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। और यही सेम प्रोसेस आपका राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो एकदम ये आसान है, यहाँ प्रोटेक्शन के लिए दिया, जैसे इमरजेंसी दबाएंगे तो आपका दोनों का आउटपुट लोड बंद हो जाएगा। उसके बाद लिमिट स्विच का आपका प्रोटेक्शन, कोई अगर डोर आप ओपन कर देगा तो भी आप पर मैं ड्राइंग बनाया हूँ, जैसे कि हमारा जो रेड लूप होकर एक निकल रहा है, निकालने के बाद फ्यूज में आया, फ्यूज के बाद आपका इमरजेंसी स्विच में, उस इमरजेंसी जो स्विच है ये एनसी पॉइंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिट स्विच, लिमिट स्विच का आपका कमांड में देना, उसके बाद एनओ पे जाएगा, ये एनओ जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट होने के बाद आपका सीधा चला क्योंकि आपका स्टॉप पुश बटन में जा रहा है। उसके बाद वही लूप सीधा चला जा रहा है आपका ओवर लोड रिले में, आपका जाके कनेक्शन होगा उसका एक एनओ पॉइंट पे, आपका ट्रिप इंडिकेशन देने के लिए ट्रिप होगा जब, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पहुँचाया गया है आपका एनओ पॉइंट पे। उसके बाद वही लूप जैसे स्टॉप पुश बटन है, उसके बाद आपका एनसी पॉइंट ये रहता है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में चला गया, तो स्टार्ट पुश बटन से उससे पहले आपका लूप चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का एनओ पॉइंट पे, ठीक है। एनओ पॉइंट से फिर ये जैसे रिले अटैच है, ठीक है, जितना पॉइंट ऊपर में है नीचे में उतना दिया हो, उसके बाद एनओ जो आपका आउट निकल रहा है, आउट निकालने के बाद एक आपका यहाँ पर एनसी देना है, उसके बाद यहीं से लूप करके हमारा फेज जो है कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करने के लिए ए टू यहाँ पर फेज देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया तो हमारा जो यही लूप से हमको इंडिकेटर को दे देना, इंडिकेटर यहाँ फेज आ जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया तो एनसी से यहाँ पर निकल दिया है आपका, ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। यही लूप से दिया गया है, वो आपका सीधा चला जा रहा है स्टार्ट पुश बटन का अपोजिट साइड में, कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग होने का ये काम हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रिप आपका यहाँ पर निकलेगा, जो एनओ है यहाँ से निकलेगा, ये आपका ट्रिप इंडिकेटर के लिए निकलेगा केवल एनओ पॉइंट, और है रिले में आपका तीन एनओ है, तीन एनसी है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपका ए टू फेज आ गया। अब यहाँ पर न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल को आपको क्या करना है, जैसे लूप उठाया गया न्यूट्रल, जैसे इंडिकेटर यहाँ एक आपका ऑन इंडिकेटर है और एक आपका ट्रिप इंडिकेटर है, तो ये दोनों को लूप दे दिया। उसके बाद सीधा ले जाके कॉन्ट्रैक्टर का ए वन में टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से इसका वायरिंग किया गया है। और आपका जैसे यहाँ पर थ्री फेज का कनेक्शन होगा, 1 2 3, ये सेम आपका वायर लोड रिले होके आउटपुट चला जाएगा। तो क्या है कि ए टू यहाँ पर है, तो ए टू से लूप हमारा जो ये मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो वायर लोड रिले है, इसमें पांच टर्मिनल है, पांच को इसमें खोज देना, तो यही ए टू हमारा सीधा यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। और जो एनओ का पॉइंट है यहाँ पर आ जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जैसे एनओ पॉइंट निकल रहा है, उसके बाद एनओ से फिर ए टू में दे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया, साथ में रिले भी होल्ड हो गया, यानी कि रिले का आउटपुट देना चालू कर दिया। यहाँ पर एनसी से देखे हम लोग जो रिले है ये चालू कर दिया, लेकिन ये किसी वजह से ट्रिप हो जाएगा, तो एक लूप 230 के और फेज आया है, वो यहाँ पर एनओ पे दिया गया है, ठीक है। एनओ पे देने के बाद हमारा जो जैसे ट्रिप होगा आपका, ठीक है, ट्रिप होने के बाद यहाँ से एनओ निकलेगा आपका, ट्रिप इंडिकेटर में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बात और बता देता हूँ, हमारा ओवरलोड रिले है, इसमें तो नंबरिंग दिया हुआ, तो एनओ का जो ये टर्मिनल आ रहा है फेज लूप होते हुए, ये जो टर्मिनल है ये आपका 97 टर्मिनल ब्लॉक है, एनओ पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट हमारा निकल रहा है ट्रिप के लिए आपका, जो ये जो ये ट्रिप के लिए जो निकल रहा है आपका, ये जो है आपका 98 का पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा मेरा जो ये जगह का कमी के कारण पूरा डिजाइन नहीं कर पाया हूँ, इसका फ्रंट साइड में और बैक साइड दोनों जगह पर है, इसलिए, ठीक है। तो जरूरत हमको जो है उसको आपको जानकारी दिया हो। ये जैसे हमारा 230 आया हुआ रहेगा, ठीक है, तो किसी वजह से ओवरलोड हो गया, तो ये रिले आपका आउटपुट इसका कॉन्ट्रैक्टर जो है होल्डिंग के लिए दिया गया है, आउटपुट देना बंद कर देगा, और ये एनओ से इस एनओ को पावर चला जाएगा।